नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज हम बना रहे हैं साबुदाने की खीर। नवरात्रे चल रहे हैं तो साबुदाने की खीर बहुत इजी भी है और बहुत ही हल्की, इजी, बहुत डिलीशियस। चलिए आइए शुरू करते हैं साबुदाने की खीर। साबुदाना, ये एक कटोरी साबुदाना मैंने लिया है और जो कि दो बार पानी से धो के मैंने सोख करके रखा है। जितना साबुदाना है उस पर इतना ऊपर पानी करके रखा था, ज्यादा पानी में नहीं सोख करेंगे, जो कि पानी साबुदाने ने खुद एब्जॉर्ब कर लिया अपने में। ये देखिए पानी, बस ये जरा सा पानी ऐसे रह गया। ये हमने 1 लीटर दूध उबलने के लिए रखा है। दूध में उबाल आ गया है ऑलमोस्ट, ये उबल गया है दूध। इसको हम उतारते हैं और इसके ऊपर मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें पहले हम ड्राई फ्रूट लाइट ब्राउन करने तक भूनेंगे। काजू, ये चिरौंजी है, बादाम, ये मैंने काट के रखे हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और ये पिस्ता, ये अनसॉल्टेड पिस्ता है। एक थोड़ी सी किशमिश भी हम डालेंगे इसमें। बस 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए भुन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। और जो सोख करके हमने साबुदाना रखा था, हम एज इट इज, जरा सा पानी है देखिए इसमें, ऐसे ही हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे एक तो फ्लेवर ही बढ़ेगा और इससे साबुदाना एकदम खिला खिला रहेगा। देखिए साबुदाने में थोड़ी शाइन भी आने लगी। बस 2 मिनट ही भूनेंगे, ज्यादा नहीं। ये जो हमने दूध उबाल के रखा था, अब हम इसमें, ये 1 लीटर दूध है, थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ, पहले थोड़ा पका लेते हैं इसे। अब ये देखिए सारा साबुदाना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, कोई स्टिक नहीं होगा, कि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और खिला खिला रहेगा। ये देखिए एक उबाल आने लगा और साबुदाना देखिए सब बिल्कुल अलग अलग दाना है। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाएगा, हम ऐसे ही इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है एकदम। अभी हम इसमें दूध भी और डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे, ये सारे डाल देंगे। आधा कटोरी चीनी ली है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ड्राई फ्रूट भी आप जो खाना चाहते हैं वो डालिए, सब ऑप्शनल है। ये छोटी इलायची है पाउडर 1/2 स्पून, और ये 6-7 थ्रेड केसर के हैं, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, बट इलायची जरूर डालिएगा, केसर आप अपनी मर्जी है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे, क्योंकि अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और ये देखिए ना जलेगी ये खीर और ना नीचे चिपकेगी, बिल्कुल अलग अलग दाना रहेगा और गलने के करीब है। बस अभी थोड़ा सा इसमें 5 मिनट की और कसर है, 5 मिनट और पकाएंगे हम, ये गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी तो बनेगी ही। ये देखिए बनके तैयार है, गाढ़ी भी हो गई है और आपको दाना अलग अलग दिखाई दे रहा होगा साबुदाने का।
अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए आपको दाना दाना दिख रहा होगा, बिल्कुल अलग अलग है। अभी गर्म है, आप इसको चाहे तो हल्का हल्का गर्म खा सकते हैं, और अगर चाहे तो ठंडी करके खा सकते हैं। खीर बनके तैयार है खाने के लिए बिल्कुल। साबूदाना खीर बनके तैयार है, बहुत ही डिलिशियस बनी है, बहुत ही यम्मी है और लाइट बहुत है। किसी भी समय आप बना सकते हैं, फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं, नवरात्रे चल ही रहे हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।